brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये तस्वीर कश्मीर की खूबसूरती को बयां कर रही है। ये तस्वीर कश्मीर के विकास की बयार बता रही है। ये तस्वीर कश्मीर में अमन चैन शांति की बात बता रही है। ये तस्वीर पाकिस्तान का सीना फाड़ देने वाली है। ये तस्वीर आतंकियों के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। तो देखा ना आपने किस तरह से लोकतंत्र के महापर्व की जीत हो रही है कश्मीर में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 110 साल की बुजुर्ग महिला ने वोट करके दुनिया को बता दिया कि कश्मीर में अमन चैन की बयार बह रही, यहां कोई भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है और ये पाकिस्तान जैसे नापाक देशों के लिए जोरदार तमाचे से कम नहीं है। वैसे कश्मीर में जिस तरह से वोटिंग हो रही वो अपने आप में ही बता रहा कि कश्मीर बदल चुका। कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ अमन चैन शांति रहती है और यहाँ लोग अमन चैन शांति ही पसंद करते हैं। बता दें श्रीनगर संसदीय सीट पर सभी मतदान केंद्र सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। सभी केंद्रों में लाइव वेबकास्टिंग हो रही, इसे जिला नियंत्रण कक्ष के साथ सीईओ कार्यालय में भी देखा जा सकता है। कुछ केंद्रों पर सैटेलाइट फोन, वायरलेस सेट और विशेष रनर की व्यवस्था भी की गई है। कश्मीर विस्थापितों के लिए 26 मतदान केंद्र बनाए गए, इनमें जम्मू में 21, दिल्ली में 4 और उधमपुर में 1 केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वोटर लिस्ट रख दिए गए हैं। खैर, चुनाव कश्मीर में हो रहा और रो पाकिस्तान रहा। और जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में बेहतरी के लिए जो बदलाव आजादी के बाद से नहीं हुए वो 5 अगस्त 2019 के बाद हुए। आज घाटी में न सिर्फ शांति की बयार बह रही बल्कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर निरंतर रफ्तार भर रहा और इसीलिए ये तस्वीर पाकिस्तान के आतंकियों के मुंह पर जोरदार तमाचे से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से सरकार काम कर रही उसके प्रभाव दूरगामी तो होंगे ही, घाटी में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अब आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो को देखकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।